तो आज हम बात करेंगे हमारी इस क्लास में कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई करेक्टर या वर्ड कितना बार रिपीटेड है, कैसे पता चलेगा। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे थे कि एक सेल के अंदर, न कि एक कॉलम के अंदर। तो इस सेल के अंदर बी कितना बार है, ई कितना बार है, एफ कितना बार है, मुझे इसको काउंट करना है। जिस लाइक ये फ्लाइट क्लासेज है, एक टिकट पे, एक टिकट पे कई सारे पीएनआर जनरेट हुई है और पर कई सारे पीएनआर के कई सारे क्लास है, फ्लाइट क्लासेज है, तो ये हमें काउंट करना है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो आप लोग मेरे साथ अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जूम ऐप के थ्रू। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखेगा, उस नंबर पे आप मुझे कॉल करें और मुझसे डेमो क्लासेस का टाइम लेके, आप पहले 3-4 क्लास डेमो लेके देखें, अच्छा लगा तो इनरोल कीजिएगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले हम लेन फॉर्मूले की मदद से पता करेंगे कि एक्चुअली इसका लेंथ है कितना। उसके बाद फिर हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें बी को काउंट करना है, तो बी को काउंट करना है तो बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। फिर वापस हम लेन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी लेंथ निकालेंगे। फिर जब बी था उसमें से हम बी नहीं था को माइनस कर लेंगे, तो कितना बी था पता चल जाएगा। इसको एक सेल पे लगाने के लिए सिंपल तरीका है कि आप पहले लेन दे, लेन फॉर्मूला, क्योंकि लेन में से माइनस होगा, फिर वापस लेन ही माइनस होगा। और इस लेन में हम A2 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट A2 के अंदर B1 को ब्लैंक से करना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा, हो गया। अब इसको डायरेक्ट तो ड्रैग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको करेंगे फ्रीज, डॉलर साइन लगा के, ताकि आगे ड्रैग करने पे ए बी न बन जाए और बी सी जरूर बने। और इसको आगे की तरफ हम ड्रैग कर दिए। ड्रैग करते ही आप देखिए हमारी सारी रिजल्ट्स यहां पे आ गई। अब आप इसी तरह की पूरी सीक्वेंस वीडियो चाहते हैं कि मुझे एक्सेल के A to Z हर एक चीज के बारे में पता हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं, एक्सेल ट्रेनिंग का आप ऐप जो है यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विंडोज और iOS दोनों पे अवेलेबल है, सॉरी iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।